नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मसवानपुर मामा तालाब के पास लेबर की गोली मारकर की गई हत्या। पेंट करने को लेकर हुआ विवाद। योगेश परमार उर्फ गुड्डू सिंह ने मारी थी गोली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगेश ने चलाई गोली। रावतपुर थाना पुलिस मामले को दोपहर से दबाए रही करती रही लीपापोती। घटना की जिम्मेदारी अब योगेश परमार डाल रहे हैं गार्ड पर। मसवानपुर में बन रहा है योगेश का होटल, वो है भी मानक के विपरीत। सूत्रों की माने तो केडीए की आंख में धूल झोंक कर नक्शा के विपरीत बनाया जा रहा है होटल। मृतक का नाम रवि, 25 वर्ष है, निवासी हरदोई का बताया जा रहा है। गुड्डू सिंह को पूरे मामले में बचाने में लगी है पुलिस। घायल अवस्था में हेलमेट में सौ फेंक कर भाग गए थे गुड्डू सिंह के गुर्गे, जहां हुई गुड्डू सिंह की मौत। पूरा मामला रावतपुर थाना क्षेत्र का है। यह कानपुर से इरफान की एक खास रिपोर्ट। देखिए, हैलेट से थाना कल्याणपुर का एक मेमो आया, जिसमें मेमो से जो है पुलिस को जानकारी हुई। फिर उसी सूचना पे जो है मेमो की सूचना को वेरीफाई करने के लिए पुलिस यहाँ पे मौके पे आई। जो है मेमो में ये पता चला कि जो है जो रवि रहने वाला जो है हरदोई का है, वो उसको कुछ लोग भर्ती कराने गए थे। वहाँ से वो लोग कुछ जब लेके अस्पताल पहुँचे तो उसकी जो है मृत्यु हो गई, और जो लोग भी लेके गए थे वहाँ से वो लोग अस्पताल से गायब हो गए। और इस संबंध का जो मेमो प्राप्त हुआ तो ये इसकी तलाश की गई। तलाश की तो थाना जो है रावतपुर क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग वो गुड्डू सिंह की बताई जाती है। ये पता चला कि उनके पास एक लाइसेंसी असलाहा है, और जो रवि है, जो मृतक है, वो उस बिल्डिंग में पुट्टी का काम कर रहा था, पेंटिंग और पुट्टी का काम कर रहा था। अचानक उसको जो है गोली लगी, और उसको फिर जो है ये स्थानीय वहाँ पे जो लेबर जो मौजूद थी कुछ, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो उनका ड्राइवर है उसके द्वारा जो है घटना को जो है कारित किया गया। लेकिन फिर भी जो है चूंकि मौके पे कोई अभी उपस्थित नहीं, फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोगों ने उसका सर्वे किया है और इन सब की जांच की जा रही है कि वो गुड्डू सिंह का जो लाइसेंसी असलाह था वो, प्लस उनका जो ड्राइवर है और भी जो लेबर है यहाँ पे, उनसे पूछताछ हो की जो प्रक्रिया चल रही है। इस जो मृतक है इसके संदर्भ में संबंधित थाने को सूचना कर दी गई है। उनके आने के बाद जो भी प्रार्थना पत्र जो है दिया जाएगा उससे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना के वक्त पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी? बताया तो आपको कि जो है हमको जो है मेमो जो प्राप्त हुआ तब जो है पुलिस इसका संज्ञान ली। गुड्डू फरार गिरफ्तार हो गया? अभी जो है जिनका जो पता चला, जो उनके आवास पे पुलिस गई थी लेकिन ताला बंद है, वो मौके पे से मिले नहीं। झगड़े का मेन कारण क्या था? ये झगड़े का तो कोई अभी नहीं पता चल पा रहा है। ऊपर जो है कुछ लेबर जो काम कर रही थी उनका ये कहना है कि वो किसी ने देखा नहीं कोई झगड़ा है। गोली जो चली है वो अचानक चली है, किस कारण चली जब, या तो जो है गुड्डू सिंह या जो ड्राइवर है वो अगर मिलता है तो जानकारी की जाएगी। इस खबर का सुझाव एवं विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लगातार छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।